हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम महाभारत के एक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम क्या है? अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे, जो कि युद्ध में लड़े थे, जो कि चक्रव्यूह में तो जिन्हें जाना आता था, लेकिन वो चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाए। तो अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है अभिमन्यु। चैप्टर इन व्यू, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? द प्रेजेंट लेसन इज द टेलिंग ऑफ द महाभारत। तो ये जो हम लेसन पढ़ रहे हैं, ये महाभारत का एक हिस्सा है। द स्टोरी बिगिन्स इन हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र एंड पांडुवर टू ब्रदर्स। धृतराष्ट्र वॉज द एल्डर वन बट वॉज ब्लाइंड, सो पांडु वॉज एनथ्रोन्ड एज द किंग। तो ये स्टोरी कहाँ शुरू होती है? ये स्टोरी हस्तिनापुर में शुरू होती है। धृतराष्ट्र और पांडु दो ब्रदर्स थे, लेकिन धृतराष्ट्र बड़े ब्रदर थे, बड़े भाई थे, लेकिन वो अंधे थे, जिनकी वजह से उन्हें सिंहासन नहीं मिला। तो पांडु को एज राजा वहां पर सिंहासन पर बैठाया गया, तो हस्तिनापुर के राजा बने। पांडु मैरिड टू कुंती एंड माद्री एंड हैड 5 सन्स, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। तो पांडु की शादी किन से हुई? पांडु की शादी कुंती और माद्री से हुई। और फिर उनके 5 बेटे थे, जो कि कौन कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। देवर नोन एज पांडवा। उन 5ों को क्या कहा जाता था? पांडव। पांडव यानी पांडु के पुत्र। धृतराष्ट्र एंड गंधारी हैड 100 सन्स नोन एज कौरव। तो धृतराष्ट्र की शादी गंधारी से हुई थी, जिनसे उनके 100 बच्चे थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। दुर्योधन वॉज दी एल्डेस्ट। पांडु डाइड अर्ली एंड धृतराष्ट्र बिकेम दी किंग। तो जो कौरव थे, उनमें सबसे बड़ा कौन था? दुर्योधन। लेकिन पांडु की मौत काफी जल्दी हो गई थी, वो अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद सिंहासन संभाला किसने? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र को उसके बाद राजा बना दिया गया। नाउ एन इंटेंस राइवलरी अरोज बिटवीन द पांडव एंड द कौरव, एज युधिष्ठिर वॉज द मोस्ट एलिजिबल एयर ऑफ बींग द किंग ऑफ हस्तिनापुर। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पांडव और कौरवों के बीच में एक मतलब, तो वो दोनों एक दूसरे के एनिमीज बन गए, दुश्मन बन गए। तो उनके बीच में राइवरी आ गई। और क्योंकि जो युधिष्ठिर थे, वो मोस्ट एलिजिबल थे टू बिकम दी नेक्स्ट किंग ऑफ हस्तिनापुर, तो इस चीज को लेके उन दोनों में, तो दोनों एनिमीज बन गए एक दूसरे। दुर्योधन विद हिज मैटरनल अंकल शकुनी डिवाइज मेनी स्कीम्स टू टेक आउट दी पांडव। और पांडवों को अपने रास्ते से हटाने के लिए दुर्योधन ने अपने अंकल यानी अपने मामा के साथ मिलकर, जिनका नाम क्या था? शकुनी था, काफी सारी स्कीम्स रची ताकि वो पांडवों को वहां से निकाल सके। दे इनवाइटेड युधिष्ठिर फॉर अ मैच ऑफ चौपर एट विच शकुनी वॉज मास्टर। युधिष्ठिर वॉज डिफीटेड एंड लॉस्ट हिज किंगडम, हिज ब्रदर्स, हिमसेल्फ एंड देयर वाइफ द्रौपदी। तो एक दिन युधिष्ठिर को इनवाइट किया गया, दुर्योधन ने उन्हें इनवाइट करा, किसमें? क्या करने के लिए? चौपर खेलने के लिए, मतलब डाइस से रिलेटेड गेम खेलने के लिए, जिसमें शकुनी काफी अच्छे थे। तो युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट, अपने ब्रदर्स को, साथ ही अपनी वाइफ को उस गेम में हार गए। एट दिस शी वॉज अबाउट टू कर्स द कौरव, बट धृतराष्ट्र रिक्वेस्टेड हर टू फॉरगिव देम एंड रिटर्न ऑल द एसेट्स टू द पांडव। इसके बाद द्रौपदी कौरव को श्राप देने वाली थी, लेकिन धृतराष्ट्र के प्रे करने की वजह से धृतराष्ट्र ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ऐसा मत करो, कौरवों को श्राप मत दो। तो उन्होंने उनको उनके सारे एसेट्स और साथ की सारी चीजें पांडव को वापस लौटा दी। अनदर गेम वॉज ऑर्गेनाइज। इसके बाद एक और गेम ऑर्गेनाइज किया गया। नाउ द डिफीटेड पार्टी हैज टू गो इन टू एग्जाइल फॉर 12 ईयर्स एंड स्पेंड दी 13 ईयर इन इनकॉग्निटो। तो इसके बाद क्या रखी गई शर्त? कि जो पार्टी हार जाएगी, यानी अगर कौरव हारे या पांडव हारे, जो दोनों में से जो भी हारेगा, उसे 12 साल वनवास में गुजारने पड़ेंगे, और साथ ही जो 13वां साल होगा वो उन्हें ऐसे गुजारना होगा कि वो किसी को पहचान में नहीं आने चाहिए, किसी की नजर में नहीं आने चाहिए, कोई उन्हें पहचाने ना, इनकॉग्निटो होना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अज्ञातवास। युधिष्ठिर अगेन वॉज डिफीटेड। इसके बाद युधिष्ठिर फिर गेम में हार गए। द पांडव हैड टू गो फॉर एग्जाइल बिफोर द रिक्लेमेशन ऑफ द किंगडम। बैटल ऑफ महाभारत वॉज फॉट।
Arjun's son Abhimanyu fought bravely in the war. Now read the story. इसके बाद जो पांडव थे वो एग्जाइल के लिए गए, वनवास के लिए वो चले गए। उसके बाद महाभारत का युद्ध लड़ा गया जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ने काफी बहादुरी से पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने भी युद्ध लड़ा था। तो हम उनकी स्टोरी आगे पढ़ेंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग दुर्योधन वेंट टू द्रोणाचार्य इन अ स्टेट ऑफ बिटरनेस एंड एंगर एंड आफ्टर द कस्टमरी सैल्यूटेशन एड्रेस्ड हिम दस इन द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जनरल। तो अगले ही दिन सुबह सुबह दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए। द्रोणाचार्य कौन थे? पांडव और कौरवों के गुरु। तो द्रोणाचार्य के पास गए लेकिन वो काफी मतलब गुस्से में थे। उन्होंने कस्टमरी सैल्यूटेशन करा, लाइक जो आप अपने गुरुओं को नमन करते हो वो करा। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ जनरल्स के सामने उन्होंने उनको एड्रेस किया, यानी उनसे बात करना शुरू किया। एस्टीम ब्राह्मण युधिष्ठिर वॉज क्वाइट विद इन योर रीच यस्टरडे एंड इफ यू रियली विश टू टेक हिम नो वन कुड हैव प्रिवेंटेड यू, येट यू डिड नॉट टेक हिम एंड टू मी द इवेंट्स ऑफ यस्टरडे आर इनएक्सप्लिकेबल। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट मेक्स इट हार्ड फॉर यू टू कैरी आउट योर प्रॉमिस टू मी, ग्रेट मैन आर इनकम्प्रिहेंसिबल। तो दुर्योधन क्या कहने लगे गुरु द्रोणाचार्य से कि ब्राह्मण आपने कल युधिष्ठिर को जाने दिया, मतलब आपने युधिष्ठिर को खत्म कर सकते लेकिन आपने ऐसा नहीं करा, और अगर आप ऐसा करते तो आपको कोई रोकने वाला भी वहां पर नहीं था, कोई आपको रोक नहीं सकता था, और आपने मुझसे अपना किया हुआ वादा पूरा नहीं करा, आपने उसे वहां पर जाने दिया। द्रोणाचार्य वॉज एक्सीडिंगली हर्ट बाय दिस इंसल्टिंग इंसिनुएशन। दुर्योधन ही सेड, आई एम पुटिंग फोर्थ ऑन योर बिहाफ ऑल दी स्ट्रेंथ एंड स्किल आई पोजेस। यू एंटरटेन थॉट्स अनवर्दी ऑफ अ किंग। एज लॉन्ग एज अर्जुन इज प्रेजेंट सपोर्टिंग युधिष्ठिर, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू सीज हिम। आई हैव टोल्ड यू दैट ऑलरेडी। इट इज ओनली इफ वी मैनेज सम हाउ टू गेट अर्जुन आउट ऑफ द बैटल फील्ड देन वी कैन होप टू कैरी आउट दिस प्लान एज यू डिजायर एंड आई एम डिवाइसिंग वेज टू अटेन दिस ऑब्जेक्टिव। तो द्रोणाचार्य को दुर्योधन का उन्हें इंसल्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन मैंने अपनी सारी स्किल्स जो मैं पोजेस करता हूँ, अपनी सारी स्ट्रेंथ तुम्हारे साथ लगा दी है, तुम्हारे बिहाफ पर लड़ने में लगा दी है। तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो राजा बनने योग्य नहीं है। जब तक युधिष्ठिर के साथ अर्जुन खड़ा हुआ है तब तक उसे हराना मुमकिन नहीं है, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर हम किसी तरह अर्जुन को यहाँ से बैटल फील्ड से, यानी कि जहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है वहां से बाहर नहीं भेजते हैं, तब तक उन्हें हराया नहीं जा सकता। तो मेरे पास जो प्लान है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, इट इज ओनली इफ वी मैनेज समहाउ टू गेट अर्जुन आउट ऑफ द बैटल फील्ड देन वी कैन होप टू कैरी आउट दिस प्लान। तो अगर हम किसी तरीके से अर्जुन को यहाँ युद्ध के मैदान से बाहर हटा देते हैं, कहीं और भेज देते हैं, तभी हम अपने प्लान को कैरी आउट कर पाएंगे, युधिष्ठिर को हरा पाएंगे, अपना ऑब्जेक्टिव अटेन कर पाएंगे। द द्रोण नोबली कॉन्कर हिज जस्ट एंगर एंड सीक टू कंफर्ट दुर्योधन इन हिज डिस्ट्रेस। तो जो गुरु द्रोण थे उन्होंने अपने गुस्से पर काबू करा और दुर्योधन को वो कंफर्ट करने लगे क्योंकि दुर्योधन काफी स्ट्रेस में हो गया। ऑन द 13th डे The Samsapatas again challenged Arjun to battle, and he accordingly went to attack them, where they were arrayed to the south of the main battlefront. The battle that was fought between the Samsapatas and Arjun was the fiercest event that had been seen or heard of the till that day. तो उसके बाद क्या हुआ? 13वें दिन जो संसापतक्ष थे, जिन मतलब एक ऐसी आर्मी जो कि अर्जुन को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, वो अर्जुन को बैटल फील्ड से दूर करने के लिए उन्होंने अर्जुन को दोबारा चैलेंज करा, उन पर अटैक कर दिया। तो वो बैटल फील्ड से साउथ की तरफ चले गए और वहां पर उन दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ गई। उन दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो आज भी याद करी जाती है, कि किससे आज भी मशहूर है। धनंजय लेफ्ट द मेन फ्रंट टू मीट द संपातक, द्रोण रीअरेंज्ड हिज आर्मी इन द लोटस फॉर्मेशन एंड अटैक युधिष्ठिर फियरलेसली।
अजय धनंजय जो है वो संपादक के साथ चले गए, ठीक है। तो द्रोण ने दोबारा एक लोटस फॉर्मेशन बनाया और साथ ही फिर युधिष्ठिर पर उन्होंने हमला कर दिया। अभिमन्यु सन ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा वॉज स्टिल एन एडोलेसेंट, बट ही हैड ऑलरेडी वॉन रिकॉग्निशन एज अ माइटी मैन एट आर्म्स, इवन एज द इक्वल ऑफ हिज फादर एंड अंकल इन बैटल। तो अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे, जो कि अभी भी यंग थे। इस समय उनकी आयु 16 साल की थी, तो अभी भी काफी मतलब वो टीनेज में थे अपनी। लेकिन उनके किस्से काफी मशहूर थे, उनको मैन एट आर्म्स कहा जाता था, उन्हें सब चीजों का ज्ञान था उस छोटी सी आयु में भी, और वो बिल्कुल अपने फादर और अपने अंकल की तरह बहादुर थे। युधिष्ठिर कॉल्ड अभिमन्यु एंड सेड टू हिम, डियर सन, द्रोणाचार्य इज हैरिंग अवर आर्मी ग्रेटली, अर्जुन इज एबसेंट, एंड इफ वी वुड बी डिफीटेड इन हिज एबसेंस ही विल बी ग्रीव बियॉन्ड मेजर। नो वन अमंग अस हैज बीन एबल टू ब्रेक द्रोण्स एरे, यू नो यू कैन डू इट एंड नो वन एल्स, आई आस्क यू टू टेक अप दिस टास्क। तो तभी युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को कहा और उससे कहा कि बेटे दुर्योधन हमारे मतलब द्रोणाचार्य जो है, गुरु द्रोण जो है, वो हमारी आर्मी पर काफी हमला कर रहे हैं, और अगर हम अर्जुन की एब्सेंस में ये युद्ध हार जाते हैं तो वो बहुत मतलब वो बहुत अपसेट हो जाएंगे, मतलब अर्जुन जो है वो काफी अपसेट हो जाएगा, और हम में से कोई भी जो गुरु द्रोण है उनके एरे को ब्रेकआउट नहीं कर सकते, यानी उन्होंने जो व्यू की रचना करी है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। तुम ही एक हो जो कि इस बारे में जानते हो, जो कि ऐसा कर सकते हो, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि ये टास्क तुम अपने हाथ में लो। आई कैन डू इट, रिप्लाइड अभिमन्यु। तो अभिमन्यु ने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाई माई फादर ऑन हाउ टू पेनिट्रेट दिस फॉर्मेशन एंड कैन सर्टेनली डू सो, बट इफ आफ्टर फोर्सिंग माई वे इट शुड अनफॉर्चुनेटली बिकम नेसेसरी फॉर मी टू कम आउट, आई शैल बी एट अ लॉस अबाउट वॉट टू डू, बींग एज येट अनइंस्ट्रक्टेड इन द आर्ट ऑफ एक्सट्रिकेशन। तो अभिमन्यु ने बोला कि ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे को मेरे पिता से शिक्षा मिली है कि आपको व्यू में कैसे घुसना है, मतलब आप उसे पेनिट्रेट, उसको तोड़ के कैसे अंदर जा सकते हो, लेकिन अगर मुझे अपने वे आउट पता करना है, मुझे अगर अपने आप को उस व्यू से बाहर निकालना है, फोर्स आउट करना है, तो वो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके बारे में अभी मुझे शिक्षा नहीं मिली है, तो मुझे कुछ नहीं पता होगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं इस व्यू को तोड़ नहीं पाऊंगा बाहर आने के। वेलियंट बॉय, ब्रेक दिस इम्प्रेग्नेबल फॉर्मेशन एंड ओपन अ पैसेज फॉर अस, वी शैल ऑल ब्रेक इन योर वेक, वी शैल बी विद यू टू फेस एनी डेंजर एंड नो क्वेश्चंस कैन अराइज ऑफ यू हैविंग टू कम आउट। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तुम बस इस फॉर्मेशन को तोड़ो, हम तुम्हारे पीछे ही इस फॉर्मेशन में तुम्हारे पीछे घुस जाएंगे, हमारे लिए तुम रास्ता बनाओ और हम तुम्हारे साथ वहां अंदर अंदर जो भी डेंजर होगा, जो भी चीजें होंगी, हम तुम्हारे साथ उसका सामना करेंगे, तुम बाहर आने का कोई ऐसे क्वेश्चन अराइज नहीं होगा। आई शैल प्लीज माई ग्रेट ग्रेटर फादर एंड अंकल, अभिमन्यु सेड विद एंथुसियाज्म। उन्होंने अभिमन्यु ने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं वो पूरा करूंगा, मैं आपकी बात मानता हूँ। मे योर प्रोग्रेस ग्रो, सेड युधिष्ठिर एंड ब्लेस दी यूथ। तो युधिष्ठिर ने अपना आशीर्वाद दिया अभिमन्यु को और कहा कि तुम्हारी स्किल्स और आगे बढ़ें। सुमित्रा, सी द्रोण्स फ्लैग देयर, ड्राइव स्ट्रेट एंड फास्ट टू दी पॉइंट, सेड अभिमन्यु टू हिज चैरेटर। तो जो अभिमन्यु थे उन्होंने अपने सारथी से कहा कि सुमित्रा, वहां तुम्हें द्रोण का झंडा दिख रहा है, उसकी तरफ तेजी से रथ को लेके चलो। एज द गोल्डन चैरेट टू विच वर योग्ड ब्यूटिफुल यंग हॉर्सेज अप्रोच्ड, वेयर द्रोण हैज रीअरेंज्ड हिज आर्मी, द सोल्जर्स इन द कौरव आर्मी शाउटेड, अभिमन्यु इज कमिंग, ही हैज कम, द पांडव्स फॉलोड अभिमन्यु क्लोज बिहाइंड हिम। तो अब जो रथ था अभिमन्यु का, वो काफी तेजी से द्रोण के रथ की तरफ चल दिया, जहां पर द्रोण के झंडा लगा हुआ था वहां उसकी तरफ चल दिया। तो कौरव के जो सोल्जर्स थे, उनकी जो आर्मी थी, वो चिल्लाने लगी कि अभिमन्यु हमारी तरफ आ रहा है, वो आ चुका है, और अभिमन्यु के पीछे ही बाकी पांडव भी उसे साथ में उसके पीछे थे। द कौरव वॉरियर्स वर परटर्ब्ड
When they saw Abhimanyu's chariot approach them at great speed, "Here is one greater in valor than Arjun," they thought and began to lose heart. तो अब कौरवों की तरफ, क्योंकि अभिमन्यु का रथ काफी तेजी से आ रहा था, तो कौरव जो है वो जो उनकी सेना थी वो डरने लगी। उन्हें लगा कि ये अर्जुन से भी बहुत ही, मतलब अर्जुन के बराबर बहादुर है, उनकी तरह ही काफी अच्छी उनके पास स्किल्स हैं। लाइक अ यंग लायन ऑन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स अभिमन्यु रश्ड ऑन। देयर वाज अ रिपल इन द कौरवस रैंक व्हिच बेंट अंडर हिज हेडलॉन्ग ऑनस्लॉट। द बैंड सून बिकेम अ ब्रेक and under Drona's very eyes the formation was breached and Abhimanyu entered. But the breach closed before the other Pandav warriors could force their way in according to the plan and Abhimanyu was alone. So Abhimanyu काफी तेजी से द्रोण की तरफ बढ़े, तो उन्होंने ऐसे हमला करा जैसे कि कोई शेर हाथियों के झुंड पर हमला कर रहा हो। तो अभिमन्यु की काफी तेज अटैक की वजह से कौरवों ने जो फॉर्मेशन बना रखा था उसमें पहले एक बेंट आया, के बाद वो टूट गया, वो फॉर्मेशन अपनी जगह से टूट गया और द्रोण की अपनी आंखों के सामने अर्जुन वहां पर एंटर कर गया, व्यू को तोड़कर एंटर कर गया। लेकिन इससे पहले कि बाकी पांडव उनको फॉलो कर पाते अभिमन्यु को, वो जगह क्लोज हो गई। तो अब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह में अकेले फंस गए। कौरव वॉरियर्स अपोज्ड हिम बट दे फेल लाइक मोथ्स इन द फायर। One after another, Abhimanyu's shafts searched the weak points in the armors of his enemies and the bodies of soldiers lay strewn on the field. Bows, arrows, swords, shields, javelins, pieces of harness, chariot canopies, axes, maces, whips, conches, along with several heads and limbs of slain warriors covered the field. तो अब क्या हुआ, कौरवों ने अभिमन्यु को रोकने की कोशिश करी ताकि वो व्यू को आगे ना तोड़ पाए, लेकिन जो अभिमन्यु थे वो काफी अच्छे से लड़े। उन्होंने अपनी एनिमीज की हर वीक पॉइंट पे वार किया और इसी तरीके से वो आगे बढ़ते गए। तो युद्ध के मैदान में वहां पे कई तीर और कई अलग अलग तरीके के जो उन्होंने यूज करे थे वेपन्स, वो सब वहीं पर पड़े रहे और जो लाशें गिरी वो अलग, उन सब से वो फील्ड कवर हो चुका था। Seeing the destruction wrought by Abhimanyu, Duryodhan rushed in person to oppose the youthful warrior. तब अभिमन्यु को देख के कि अभिमन्यु क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, दुर्योधन खुद वहां पर इन पर्सन अभिमन्यु को रोकने के लिए पहुंच गए। Drona, having learned that the king himself was engaged in battle with Abhimanyu, became anxious and sent veterans to protect Duryodhan. और जब द्रोण को इस बारे में पता चला कि दुर्योधन खुद वहां पर अभिमन्यु के सामने उनसे लड़ने पहुंच गए हैं, तो उन्होंने अपने जो सबसे अच्छे सैनिक थे और जो कहें कि टॉप रैंक वाले ऑफिसर्स थे, उनको दुर्योधन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर भेजा। विद ग्रेट डिफिकल्टी दे मैनेज टू रेस्क्यू द किंग फ्रॉम द बॉय हीरो हु ग्रेटली डिसअपॉइंटेड एट द एस्केप ऑफ दुर्योधन। Vented his anger on the warriors that had come to rescue him and put them to headlong fight. So, बड़ी ही मुश्किल से जो वेटरन्स थे वो मैनेज कर पाए कि राजा को वहां से हटाया जाए, यानी कि दुर्योधन को वहां से ले जाके और उसको सेफ रखा जाए। इसी बात पर अर्जुन के जो बेटे थे अभिमन्यु, वो काफी निराश हो गए कि उनके हाथ से दुर्योधन निकल गया, और इस चीज का गुस्सा उन्होंने उन सैनिकों पर निकाला जो उन्हें बचाने आए और उनके साथ काफी लंबी लड़ाई लड़ी। Then throwing away all senses of shame and chivalry, a large number of veteran warriors made a combined and simultaneous attack on the hero who found himself alone surrounded by enemies on all sides. तो बिना किसी शर्म के जो भी सारे वेटरन थे उन्होंने एक साथ अभिमन्यु पर हमला करा जो कि वहां पर अकेला उन सबसे लड़ रहा था, उसको घेर कर उन सबने उसके साथ ऊपर एक साथ अटैक करा। बट इवन एज ऑन ऑल साइड्स ऑफ रॉक रिसीव्स अ राइजिंग टाइड ऑफ द सी, अर्जुन सन विदस्टूड दिस यूनाइटेड ऑनस्लॉट। ऑल ऑफ देम इक्विप्ड विद आर्म्स सर्ज्ड इन एंड अटैक्ड ऑन द यंग हीरो, ओनली टू बी डैश्ड बैक बेफर्ड एंड ब्रोकन सन्स आर्मर वॉज पियर्स्ड। लेकिन क्या हुआ, जैसे कि जो समुद्र की लहरें होती हैं वो हर रॉक पर चढ़ जाती हैं,
ऐसे ही उन लोगों ने सबने मिलकर अभिमन्यु पर अटैक करा, लेकिन अभिमन्यु ने भी उनका डटकर सामने करा और साथ ही उन सबको वहां से पीछे भगा दिया। यानी कि जो अभिमन्यु थे वो काफी कहते पावरफुल वहां पर लगे। तो उन सबके पास बाकी जो सैनिक थे, बाकी जो उनसे लड़ने आए थे, उन सबके पास बहुत अच्छे अच्छे आर्म्स थे, वो उनके पास बहुत अच्छे वेपन्स थे, और उन्होंने जब एक साथ अटैक करा तो वो सब पीछे भग गए। और साथ ही साथ क्या हुआ, जो कर्ण थे उनका आर्मर भी टूट चुका था। सली वॉज बैडली वाउंडेड एंड सैट अनेबल टू मूव इन हिज चैरियट। सली'स ब्रदर केम अप इन ग्रेट रैथ टू अवेंज हिज ब्रदर्स डिसग्रेस, बट ही फेल एंड हिज चैरिट वॉज ब्रोकन टू पीसेस। तो जो सल्ले थे वो भी काफी ज्यादा वुंडेड हो गए थे, यानी उनको काफी ज्यादा बुरी चोटें आई थी जिसकी वजह से वो मूव नहीं हो पा रहे थे और अपने रथ में ही वो बैठ गए थे। तो सल्ले का बदला लेने के लिए उनके भाई अभिमन्यु से लड़ने गए उनकी डिस्ग्रेस का बदला लेने के लिए, लेकिन उनका जो रथ था वो बिल्कुल पीसेस में टूट गया। Thus did Abhimanyu alone and unsupported oppose a host of veteran warriors and show the skill in the use of arms which he had learned from his illustrious father and from Vasudeva, his uncle. Seeing this, Dronacharya's eyes were filled with tears of affectionate admiration. तो अभिमन्यु वहां पर बिना रुके सबसे लड़ते गए, उन्होंने सब वॉरियर्स का बहुत अच्छे से सामना करा, अपनी जो उनकी स्किल्स थी जो उन्होंने अब सीखी थी इससे अपने फादर और साथ ही अपने अंकल वासुदेव से, वो उन्होंने वहां पर सारी इलस्ट्रेट करी, उन सब से लेके वो वहां पर लड़े। और यही सब देख के द्रोणाचार्य जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए उस बच्चे की स्किल्स देख के और उसकी एडमिरेशन के। Was there ever a fighter to equal this boy Abhimanyu? exclaimed Dron to Kripa in the hearing of Duryodhan, who could not contain his anger. So Dron ने तभी कृपा से बात करी कि हमारे पास कभी भी या फिर कभी भी कोई भी ऐसा फाइटर था जो अभिमन्यु के इक्वल हो, अभिमन्यु की बराबरी कर सके। तो इस बात पर दुर्योधन को काफी गुस्सा आया। The Acharya's partiality for Arjun prevents him from killing Abhimanyu, Duryodhan said, as he sings his praise instead of fighting him. Indeed, if the Acharya were minded to dispose of Abhimanyu, would it take him long to do it? तो दुर्योधन काफी गुस्से में थे, तो वो कहने लगे कि आचार्य जो है वो अर्जुन के प्रति पार्शल है, मतलब भेदभाव करते हैं, और यही चीज उनको अभिमन्यु को मारने से रोक रही है कि अगर वो चाहते तो वो अभिमन्यु को एक बार में खत्म कर सकते थे, या फिर उनको इतनी देर उसे खत्म करने में नहीं लगती। ऑफन डिड दुर्योधन सस्पेक्ट एंड कंप्लेन इन द मैनर अगेंस्ट भीष्म एंड द्रोण। तो हर बारी क्या होता था, दुर्योधन जो थे वो हमेशा इसी तरीके से भीष्म और द्रोण से कंप्लेन करते रहते थे, उनके खिलाफ कंप्लेन करते रहते थे कि वो दोनों जो है वो पार्शियल हैं। Having undertaken a war of adharma, he was often led to speak in this manner and hurt the feelings of the acharyas who stood loyally by him, even when they saw the wickedness of his ways. और जब उसने ये अधर्म का युद्ध छेड़ा, इसके बाद भी वो अपने आचार्य की फीलिंग यानी कि जो उसके गुरु थे उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता था, उनको उनको परेशान करता रहा ये सब बोल कर, ऐसी बातें करके। लेकिन वो सब आचार्य जो थे वो उसके प्रति लॉयल थे, क्योंकि वो उसके राज्य के प्रति लॉयल थे, इसीलिए वो फिर भी उसकी तरफ ही खड़े रहे, जबकि उन्हें पता था कि ये जो है दुर्योधन जो है ये सही नहीं है। दुशासन रोल्ड इन एंगर एंड एक्सक्लेम, दिस ऑब्स्टिनेट लैड विल पेरिश नॉर एंड लेट हिज चैरियट फॉरवर्ड टू अभिमन्यु। जो दुशासन थे वो गुस्से में कहने लगे कि ये ना ही मतलब उस बच्चे को मारेंगे नहीं, और ना ही अपना चैरिट जो है अपना रथ जो है वो अभिमन्यु को अटैक करने की तरफ बढ़ाएंगे। द चैरिट्स ऑफ अभिमन्यु एंड दुशासन मेड वंडरफुल मूवमेंट्स अगेंस्ट ईच अदर एंड द बैटल रेज्ड लॉन्ग। दुशासन वाज स्टक सेंसलेस इन हिज चैरिट एंड हिज चैरिटर जस्ट मैनेज टू लीव द फील्ड सेविंग दुशासन लाइफ। तो अब अभिमन्यु और दुशासन के बीच में लड़ाई छिड़ी, वो दोनों अपने रथ को लेकर आगे आए सामने आए,
और उनके जो मूवमेंट्स थे उनसे वो बैटल्स जो थी, मतलब उन दोनों के बीच जो लड़ाई चली थी वो काफी लंबी चली। लेकिन क्योंकि दुशासन काफी जख्मी हो गया था, तो उसका जो सारथी था जो रथ चलाते हैं, वो बड़ी मुश्किल से दुशासन की लाइफ बचा पाए रथ को वहां से निकाल के। कर्ण अटैक्ड अभिमन्यु विद हिज शाफ्ट एंड हैरेस्ड हिम ग्रेटली, बट वन ऑफ अभिमन्युज एरोस फेल्ड कर्ण्स ब्रो एंड द यंग वॉरियर फॉलोड अप दिस एडवांटेज सो विगोरसली दैट ही पुट कर्ण एंड हिज सपोर्टर्स टू फ्लाइट। द कौरव फोर्सेस व्हेन दे सॉ दिस वर डीमोरलाइज्ड। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु पर काफी हमला करा, लेकिन अभिमन्यु का एक तीर कर्ण के मतलब बो पे लग गया, धनुष पे लग गया, जिसकी वजह से वो एडवांटेज पे आ गया। जो अभिमन्यु था उसे एक एडवांटेज मिला, और उसके बाद उन्होंने कर्ण और उसके जो सपोर्टर्स थे, कर्ण के जो सपोर्टर्स थे उनसे वो अच्छे से लड़ा। और ये सब देख के क्या हुआ, मतलब जब कर्ण हारने लगे तो वहां से भाग गए। उसके बाद जो कौरव की जो सेना थी वो ये सब देख के काफी डीमोरलाइज हो गई, यानी जो उनका मोरल था वो गिर गया। द आर्मी वॉज इन कंफ्यूजन एंड मैन फ्लेड इन ऑल डायरेक्शन नॉट केयरिंग फॉर द्रोण शाउट्स ऑफ रिमॉन्स्ट्रेंस एंड अभिमन्यु डिस्ट्रॉयड दोज दैट स्टूड एज फायर डिस्ट्रॉयज द ड्राई जंगल इन दी समर। तो आर्मी काफी कंफ्यूजन में हर तरफ भागने लग गई, बिना ये सोचे, बिना इस चीज की केयर करे कि जो द्रोण है वो चिल्ला रहे हैं कि उस चीज को बनाए रखो, मतलब व्यू रचना को मत तोड़ो, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करो किसे, कौरवों को। लेकिन वो लोग हर डायरेक्शन में भागने लगे क्योंकि उनका मोरल काफी गिर चुका था। लेकिन जो अभिमन्यु थे वो डटकर खड़े रहे, और उन्होंने जैसे कोई आग लग गई हो ड्राई जंगल में, ऐसे ही वहां पर अपने जो एनिमीज थे उनके साथ लड़ते रहे। ये किसने लिखा है, ये लिखा है सी राजगोपालाचारी ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। चॉपर, चॉपर क्या है, ए गेम ऑफ डाइस। एग्जाइल यानी कि वनवास, द स्टेट ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू लाइन आउटसाइड ऑफ योर ओन कंट्री, यानी कि अपने देश से ही आपको बाहर निकाला गया है, तो आप अपनी देश की बाउंड्री से बाहर रह रहे हो। इनकॉग्निटो यानी एनमसली, यानी कि एक तरीके से अज्ञातवास जो था। इंसिनुएशन यानी इनडायरेक्टली। शमशादपतक, अ लार्ज मिलिट्री यूनिट फॉर्म टू किल अर्जुन। एरेड यानी डिस्प्लेड या अरेंज्ड। एरे द वे फाइटर्स अरेंज देमसेल्व्स ऑन दी बैटल फील्ड। एरे होता है कि जिस तरीके से व्यू की रचना करी जाती है युद्ध के मैदान में, जिस तरीके से फाइटर्स को एक कतार में खड़ा किया जाता है उसको। एक्सट्रिकेशन यानी कि व्यू अ फ्री और रिमूव फ्रॉम दी एंटेंगलमेंट। इम्प्रेगनेबल यानी कि अनब्रेकेबल। प्रोवेस यानी कि स्किल। परट्रब यानी कि बीइंग एंशियस और वरीड। ऑनस्लॉट वॉयलेंट और स्ट्रॉन्ग अटैक। स्टोन यानी कि स्कैटर्ड यानी बिखर जाना। मेस अ ब्लंट वेपन लाइक अ क्लब। कॉन्चेस अ शेल ऑफ सी क्रीचर। वेटरन्स एक्सपर्ट पर्सन यानी कि जो उस चीज में काफी एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। शिवलरिक करेज। ऑब्स्टिनेट अनयील्डिंग। पैरिश यानी कि डिस्ट्रॉय। विगोरसली पावरफुल और रिमोन्स्ट्रेंस यानी कि प्रोटेक्ट, बचा के रखना। अब हम कुछ आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन दी ओएमआर शीट, यानी जहाँ पर जो हमें ओएमआर शीट है वहां पर हमें सही ऑप्शन को क्या करना है, डार्क करना है, जैसे यहाँ पे कर भी रखा है। डैश एंड डैश वर ब्रदर्स, कौन ब्रदर्स थे, धृतराष्ट्र और पांडु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन डी। डैश वॉज द मेटर्नल अंकल ऑफ दुर्योधन। कौन था मामा, कौन थे दुर्योधन के मेटर्नल अंकल यानी कि मामा। दुर्योधन के मामा कौन थे, शकुनी, यानी कि कौन सा सही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डैश वॉज द सन ऑफ अर्जुन एंड सुभद्रा। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे कौन थे, अभिमन्यु, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, शमशापतक वॉज फॉर्म टू किल, जो शमशापतक सेना थी वो किसको मारने के लिए बनाई गई थी, अर्जुन को। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द वॉर ऑफ महाभारत वॉज द वॉर ऑफ
जो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था वो काय का युद्ध था, धर्म युद्ध था। सही जवाब क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगह को हमें सही वर्ड से भरना है। डैश वॉज द एल्डर वन बट ही वॉज ब्लाइंड। कौन बड़ा भाई था जो कि ब्लाइंड था यानी अंधा था, कौन था? धृतराष्ट्र। सही जवाब क्या हो गया, धृतराष्ट्र। डैश वॉज द मोस्ट एलिजिबल हेयर ऑफ बींग द किंग ऑफ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का राजा बनने के लिए कौन सबसे सही हेयर था, यानी कि उसको राजा बनना सबसे सही था, कौन था? युधिष्ठिर। सही जवाब क्या हो गया, युधिष्ठिर। नेक्स्ट, ऑन द 13th डे द डैश अगेन चैलेंज अर्जुन टू बैटल। 13वें दिन किसने अर्जुन को बैटल के लिए चैलेंज किया, तुम साफ पता। अभिमन्यु हैड ऑलरेडी वॉन रिकॉग्निशन एज। अभिमन्यु को ऑलरेडी किस चीज से रिकॉग्नाइज करा जाता था, उनको क्या कह के कहा जाता था? माइटी मैन एट आर्म्स। देर वॉज अ डैश इन द कोर ऑफ रैंक्स विच बेंट अंडर द हेड लॉन्ग डैश। कौन थे कौरवस में? कौरवस में रिपल हो गया, देर वॉज अ रिपल इन द कोर ऑफ रैंक्स विच बेंट अंडर द हेड लॉन्ग ऑनस्लॉट। जब अभिमन्यु वहां पर घुसे और वहां पर लड़ाई करने लगे तो क्या हुआ, जो कौरव की सेना थी वो वहां पर काफी घबरा गई और उनके ऑनस्लॉट से वो एक तरीके से उनका मोरल टूटने लगा। राइट, ट्रू और फॉल्स। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सही है गलत हमें बताना है। द फाइव सन्स ऑफ पांडु वर पांडवास एंड 100 सन्स ऑफ धृतराष्ट्र वर कौरवास। जो पांडु के 5 बेटे थे उनको वो पांडव थे, और जो धृतराष्ट्र के 100 बच्चे थे वो कौन थे? कौरव थे। क्या ये सही है? हाँ, तो यहाँ क्या आएगा, ट्रू। नेक्स्ट, द्रौपदी वॉज द ओनली वाइफ ऑफ द पांडवास। जो द्रौपदी थी वो एक लौती वाइफ थी पांडव की, जब वही एक वाइफ थी पांडवों की? नहीं। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अभिमन्यु न्यू टू पेनिट्रेट एंड कम आउट ऑफ द एरिया ऑफ द्रोण। क्या अभिमन्यु को जो व्यू द्रोण ने बनाया था उसे तोड़ना और वापस आना आता था उसमें से? नहीं, उन्हें उसे तोड़कर अंदर घुसना आता था, लेकिन अभिमन्यु को ये नहीं पता था कि उस व्यू से वो बाहर कैसे आ पाएंगे। तो ये क्या हो गया, फॉल्स। द ब्रीच क्लोज बिफोर द अदर पांडव वॉरियर्स कुड फोर्स देयर वे अकॉर्डिंग टू द प्लान। जो हिस्सा अभिमन्यु तोड़कर अंदर घुसे थे वो क्लोज हो गया इससे पहले कि जो पांडव थे वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वहां पर एंटर कर पाते। क्या ऐसा हुआ? यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। कर्ण अटैक्ड अभिमन्यु विद हिज शाफ्ट्स एंड हैरेस्ड हिम ग्रेटली। तो कर्ण ने अभिमन्यु पर अपनी शाफ्ट से हमला करा और उसको काफी चोट पहुंचाई। यस। तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कहानी भी आपको समझ में आई होगी। महाभारत हमारी हिस्ट्री का एक बहुत ही अहम हिस्सा रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।